तो यहाँ पे क्लिक करके हम गए, जैसे ही क्लिक करके स्टार्ट करके इंसर्ट पे जाके हमने क्लिक किया वर्ड आर्ट पर। तो जैसे ही वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ गया। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स आ गया तो आपने इसके अंदर अब टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए जिस स्कूल का नाम है, जैसे कि माशाल्लाह सारे सिटी के, तो यहाँ लिख लेते हैं द सिटी ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल शहजादपुर। ठीक है, ये हमने अपने स्कूल का नाम लिख लिया और क्लिक करके हमने होम पे क्लिक किया और यहाँ से इसको अपर केस कर दिया। सही है, ये अपर केस में से आ गया। अब मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ इस तरह से राउंड में। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, क्लिक कर लेते हैं पहले कंट्रोल डी करके। मैं इसका एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, कैसे, इसके इस पे क्लिक किया था, सिलेक्ट हो गया था बॉर्डर लाइंस पे। अब इसको मूव कर रहा हूँ। डुप्लीकेट इसलिए ले रहा हूँ कि मैं एक और डिज़ाइन बनाऊंगा, उसके लिए मैं नीचे इसको सेव करके रख रहा हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे। अब इस पर आ गया हूँ मैं, क्लिक कर दिया एडिट मोड में, सेलेक्ट कर लिया, शेफ फॉर्मेट पे गए। ठीक है, शेफ फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स। वर्ड आर्ट स्टाइल्स पर जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पर देखिए ये रहा वो वाला ऑप्शन जो मैं चाह रहा था। क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके अब यहाँ से हमने इसको खींच के यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे लाना है, हाइट बढ़ानी है। तो जैसे जैसे मैं इसको खींच के लाता रहूंगा इसकी हाइट बढ़ती रहेगी और ये देखिए इस तरह से क्रिएट गया। सही है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। सेम मुझे एक बनाना है जो ऐसे गोल करके लिखना है मुझे, गोल गोल बिल्कुल गोल, सर्किल के अंदर फुल गोल। तो क्या करेंगे, सिटी ग्रामर लिखा हुआ है, हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे, शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ से मेरे गया टेक्स्ट इफेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, ये गोल आ रहा है। पर ये तो गोल हुआ नहीं, गोल होगा यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से एक सर्किल का शेप देंगे तो ये देखेंगे गोल हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट सर्किल बनाने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक करें, शेप फॉर्मेट में जाएं, हाइट और विड्थ सेम कर दें, इसकी हाइट और विड्थ सेम कर दें, फॉर एग्जाम्पल 3x3 कर दें। इससे ये होगा, ये कंप्लीट सर्किल बन जाएगा एक। ठीक है, और उसके बाद अब आप इसको और छोटा करना चाह रहे हैं, 1x1 का कर दें तो ये देखिए और छोटा हो जाएगा, 2x2 इंच का कर दें, 2x2 इंच का कर दें, 2 इंच पे हो जाएगा। वॉट एवर जो आपको सही लग रहा है वो आप यहाँ से सेट कर लें और इसको उठा के इसी के सेंटर में हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। सही है, समझ में आ रही है बात, ये क्लियर हो गया। ओके, अभी मैं इसका एक और, अच्छा अब ये क्या होगा ये जहन में रखिएगा, जब भी आप इसको एडिट करेंगे ये सीधा हो जाएगा और जब बाहर क्लिक करेंगे तो दोबारा ऐसा हो जाएगा, ये बाद में फर्क आता है इसके अंदर। इसको भी देखें, अब इसको क्लिक करके मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट ले लिया एक और इसको अब मैं, अच्छा अगर किसी पे ये इफेक्ट लगा दिया है तो खत्म कैसे करेंगे, खत्म करने के लिए आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस में जाएंगे और यहाँ से नन कर देंगे। दोबारा से देखें, सीधा टेक्स्ट बॉक्स इस पर लग जाएगा। तो इफेक्ट लगाना भी सीख लिया, इफेक्ट को आपने डिलीट करना भी सीख लिया। ओके, अब इसके बनाने के बाद इसका एक और स्टाइल बनाना है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा इन है कि मिसाल के तौर पे वो स्टाइल ये वाला है। क्लिक करेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे और ये वाला स्टाइल लेंगे अगर आप, ठीक है, तो इस स्टाइल में सेम वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। अंडू कर देते हैं, ये वाला हमें नहीं बनाना, और स्टाइल लेते हैं यहाँ पे, क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये वाला स्टाइल भी है, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, ये वाला स्टाइल भी है, देखिए इस तरह से बनेगा ये। मैं थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूँ आपको, ये इधर कर लेता हूँ, ये देखिए ये इस तरह का स्टाइल है। सिटी ग्रामर पर आएगा, हायर सेकेंडरी बीच में आएगा, स्कूल शदातपुर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ये इस तरह का स्टाइल है। ये देखिए ये इस तरह का स्टाइल है जिसमें ये इस तरह से नजर आएगा, ये इस तरह का स्टाइल है जिसमें ये से लेटा हुआ नजर आएगा, और स्टाइल्स भी हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसा नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे ऐसा नजर आएगा, ये स्टाइल देखें इस पर इस तरह से नजर आएगा। ये भी बहुत ज्यादा इन है स्टाइल आजकल, कवर पेज बनाने के लिए बहुत जबरदस्त स्टाइल है, ये देखें इस तरह से नजर आएगा, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल डी करके और उसके बाद इसको और नीचे ले आते हैं, ठीक है, और अब इसे स्टाइल की जगह दूसरा स्टाइल ले लेते हैं, यहाँ से पहले स्टाइल को खत्म कर देते हैं, ये स्टाइल खत्म कर दिया और यहाँ से दूसरा स्टाइल लेने के लिए मोड़ नीचे आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह का स्टाइल है, इस तरह का स्टाइल है, वो बहुत सारे स्टाइल है, फिर ये इस तरह का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह का स्टाइल भी, इस तरह का स्टाइल भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है। ये देखिए ये भी बहुत जबरदस्त स्टाइल है आजकल, बहुत ज्यादा इन है, तो ये वाला भी देखें, फ्रंट कवर पेज बनाने के लिए किसी भी चीज के लिए ये वाले स्टाइल्स बहुत ज्यादा कामयाब है और उनको आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, देखिए साइड में क्लिक करें टेक्स्ट का कर्सर आ जाएगा, तो टेक्स्ट का कर्सर जब आ जाएगा तो इंटर करना है आपने, तो इंटर करके यहाँ पर आपने जगह बनानी है। कैसे बनानी है, सबसे पहले ये जो स्टाइल है इस पर क्लिक करके टेक्स्ट पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है
और इसके ऊपर भी क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से क्लिक करके ये भी इन फ्रंट टेक्स्ट हो गया। उसके बाद ये जो दो स्टाइल हैं इनको हम यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा कर्सर को नीचे नहीं ला पा रहे, इंटर दबाते तो ये तो इसको नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम पहले एक ब्लैंक पेज ऐड करा लेते हैं, एक और ब्लैंक पेज हमने यहाँ से ले लिया, और ये जो दो स्टाइल हमने बनाए थे इनको उस पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक किया हमने, और इसके साथ हमने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया, दोनों को कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया, दोनों को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट किया और अगले पेज पर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी की मदद से। अच्छा अब इधर आ जाए, इसके अंदर हमें थोड़ा सा और स्टाइल डालना था, तो हम इसके अंदर और स्टाइल कैसे डाल सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है ये साइज, इस साइज को और कम कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट शेप में गए थे 1.2 था तो हमने इसको कम करके कर दिया 1.5 बाय 1.5, तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर क्लिक करके ये जो 1.5 बन गया इसको क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा मूव किया तो इस तरह से इधर आ गया। क्लिक किया, एक और शेप लिया यहाँ से, तो यहाँ वाले शेप पे क्लिक किया इंसर्ट पे और इसको कंप्लीट शेप बना दिया हमने। ये जो शेप बना हमारा इसके अंदर रखा, इसका साइज था 0.88 तो इसको 0.7 और 0.7 कर दिया हमने, तो ये थोड़ा छोटा हो गया और यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने लग गया। 0.8 करते हैं तो देखिए कितना बड़ा होता है, 0.8 कर दिया हमने यहाँ से 0.8 और यहाँ से भी हमने इसको कर दिया 0.8, तो ये इस तरह से बड़ा हो गया और ये ऐसे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसके सेंटर में इसको सेट कर लिया, उसके बाद शेप फिल में जाके इसको अंदर से खाली कर दिया नो फिल करके, ये आउटलाइन आ गया इसके ऊपर, ठीक है। इसके साथ ही जैसे ये इस पर आ गया तो आपने क्या करना है, कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद इस पर लिखना है 0.1 कर दें पूरा 1.1, ये 1.1 करके थोड़ा सा बड़ा बन गया, सेलेक्ट करके इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 1 से भी थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि इसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहा, तो 1.2 कर दिया और इसको भी 1. यहाँ से इसकी हाइट को भी और विड्थ को भी 1.2 कर दिया, तो ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन ये फिर भी इसके ऊपर सेट कर रहा है। थोड़ा कम करना है तो 1.1 कर दें, 1.1, तो इस तरह से नज़र आएगा और ये फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इस तरह का सिंपल सा लोगो भी क्रिएट हो सकता है। फिर जैसे कि अगर हमें इस शेप के अंदर ब्लू कलर डालना है, तो जैसे स्कूल का कलर है ब्लू, तो ये वाला ब्लू कलर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, इस पर राइट बटन दबाना है और सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, टेक्स्ट आगे आ जाएगा। फिर क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाना है, यहाँ से इसका कलर कर देना व्हाइट, तो ये देखें टेक्स्ट इसके ऊपर फिर इस तरह से व्हाइट होके नजर आएगा, ठीक है। क्या बना दूं, उसके लिए फिर कोई पिक्चर वगैरह लगाना होगा, तो हम इसके अंदर वाले शेप पे क्लिक करके शेप फॉर्मेट पे चले जाते हैं, शेप फिल पे क्लिक करके पिक्चर पे क्लिक कर लेते हैं। कोई हमारे पास पिक्चर होनी चाहिए बच्चों के पढ़ते हुए की, या कोई कलम की, कागज़ की, टोपी की, जैसे मेरे पास एक पिक्चर है वो मैं लगा देता हूँ उसके अंदर। तो मैं चला गया यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके लेटर्स के फोल्डर में चला गया, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक फोटो है, ये देखें इस तरह का हमने एक फोटो भी इसके अंदर लगा दिया जो इस तरह से इसके ऊपर विजिबिलिटी को जाहिर कर रहा है। इसके आउटलाइंस को अगर हमें थोड़ा वाइट कलर का कर दें तो और बेहतर लगेंगे, तो ये वाइट कलर के हमने आउटलाइंस कर दिए अंदर वाले, तो वो भी आउटलाइंस भी वाइट नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छा सा लोगो या स्टाइल या शेप कह लें क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, होम में चले गए और उसका यहाँ से खोला सिलेक्शन पेन। अब ये 3-4 हो गए ना, इनको ग्रुप करके एक बना लेते हैं। तो पहला ये है ऑन ऑफ और ऑन ऑफ, तीनों को ये नहीं, तीसरा ये है। तो इसको पकड़ के ऊपर ले आते हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये ऊपर आ गया, इसको नीचे कर लेते हैं, ओके ये नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, तो चलो ठीक है इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ये ग्रुप होके इस तरह से कंप्लीट ग्रुप नजर आने लग जाएगा। उसके बाद जैसे कि सपोज टू बी ये एडमिशन का है, कवर पेज है या एडमिशन फॉर्म है जिसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको ऊपर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको पूरे ग्रुप को, अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो सिलेक्शन पैन में जाके यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इसके बीच में इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है एडमिशन फॉर्म थोड़े अच्छे अल्फाज के अंदर, तो यहाँ पर क्लिक करके वर्ड आर्ट में गए और यहाँ पर आपने लिख देना है एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म लिख दिया आपने अच्छा सा, यहाँ पर इसको इस तरीके से दिखाना है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करना है, यहाँ से छोटा कर लें और यहाँ से क्लिक करके इस तरह से सेंटर में दिखा दें। जब एडमिशन फॉर्म ऐसे दिखा रहे हैं आपको तो थोड़ा इसका बॉक्स भी बड़ा कर लें ताकि ये थोड़ा सा और दूर तक अच्छी तरीके से दिखाई दे सके।
ठीक है, एडमिशन फॉर्म के लिए फॉन्ट कुछ प्रॉपर अच्छा सा ले लें, ये हमने फॉन्ट ले लिया। इसको भी एक अच्छा सा स्टाइल देना चाहते हैं, टेक्सटाइल में जाके ट्रांसफॉर्म में चले जाएं और इसको ये वाला स्टाइल देखें, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कुछ बेहतर लग रहा है, या ये देख लें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से एडमिशन फॉर्म आपने इसके ऊपर लिख दिया। टेक्स्ट के अंदर स्पेस देना है, सेलेक्ट कर लें इसको, यहाँ से चले जाएँ फॉन्ट के अंदर एडवांस के अंदर, और यहाँ पे जाके एडवांस पे क्लिक करें, यहाँ से इसके अंदर एक्सपेंड करें, कितना इसको एक्सपेंड करना है, 10 पॉइंट के ऊपर एक्सपेंड कर दिया। तो ये देखें इसके अंदर इतना गैप इस पर इस तरीके से आ जाएगा और ये इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, होम में जाएंगे, फॉन्ट के एडवांस टैब में जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, जितने पॉइंट एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो ये उतना स्पेस इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से बन गया। अब उसके बीच में एक लाइन लगानी है, तो लाइन लगाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, लाइन के लिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं शेप, और इसको इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह की लाइन हमने इस पर ड्रॉ कर दी और इसको उठा के हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। तो ये देखिए इसका कवर फ्रंट पेज बन गया, और नीचे इसका डिज़ाइन वगैरह जो भी आपने डालना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वो इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, हाँ हाँ तो ये दो चार स्टाइल जो मैंने आपको बना के बताए, ये अपने स्कूल के कवर पेज पर, टाइटल पे, पेपर्स बनाते वक्त और मुख्तलिफ काम करते वक्त ये आपको हेल्प करेंगे इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने में। तो ये चीज़ें अब आप करके देख लें, और फिर कलर्स में भी बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में भी, तो फिर ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा।